अब आम आदमी पार्टी की नजर यूपी पर है। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है और इसी कड़ी में अब जो आम आदमी पार्टी है उसका अगला मिशन उत्तर प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शाहजहांपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने योगी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा देगी, जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये सभी सुविधाएं यूपी की जनता को भी मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में खराब कानून व्यवस्था में लोग रहने को मजबूर हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार और आए दिन हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। संजय सिंह ने कोरोना काल में हुए घोटालों को लेकर योगी सरकार को घेरा। उनका कहना है कि योगी सरकार ने पीपी किट, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और शमशान में जमकर दलाली की है। उन्होंने कहा कि बरेली में 965 ऐसे कोरोना मरीजों की जांच कर दी गई जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ अब भूतों की भी जांच करवा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं वो लोग देशद्रोही और गद्दार हैं। इनकी कौन सी श्रेणी है ये पूरा देश तय कर लेगा और आने वाले चुनाव में भी इन्हें बता देगा। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज जिसका दिया हुआ ये लोग खाते हैं उसी को ये लोग आतंकवादी कह रहे हैं। इन लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज हमारी सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम है। कृषि बिल किसानों ने नहीं बल्कि अंबानी के फायदा के लिए लाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब यूपी में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। साफ तौर पर मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल संजय सिंह शाहजहांपुर पहुंचे थे, इस दौरान किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए और इसके अलावा जो यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। साफ तौर पर कहा कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है उसकी जो हालत है वो दयनीय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा सपना है फ्री बिजली 200 यूनिट, 400 यूनिट आधे दाम पे, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री।